तरीके से स्ट्रेटजी बना के चलनी है। स्ट्रेस नहीं आएगा आपके दिमाग में बिल्कुल भी। ऐसा करने से आपका क्वेश्चन पेपर छूटेगा भी नहीं। आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। और मैं हूं प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, वो है एग्जाम्स हैक्स से रिलेटेड। एग्जाम के पहले, जस्ट पहले, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। एग्जाम्स के काफ़ी दिन पहले, एक महीने के का अगर आपको गैप है और उसमें आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, उसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने की हुई है पहले, तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको। और उसमें आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ भी मिलेंगे। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं स्टडी रिलेटेड, उनमें मैंने ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, उनको मैंने आज जो है सम अप किया है, बहुत शॉर्ट में लेकर आई हूँ वो सारे पॉइंट्स। तो जल्दी से इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ और बताती हूँ कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले, जैसे मान लीजिए 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आपको कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को दिमाग में बिठाना चाहिए, और फिर तो एग्ज़ाम अच्छा होगा ही। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। सो मान लीजिए कि आपके 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, 10 चैप्टर्स आपको करना है प्रिपेयर। उनमें से 6 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो आपको सबसे पहले जो 6 चैप्टर आपको आते हैं, 6 चैप्टर्स को आपको पहले रिवाइज करना है। उससे क्या होगा, एक कंटेंटमेंट रहेगा, सेटिस्फैक्शन होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा आपके दिमाग में बिल्कुल भी। क्योंकि जब हम 6 चैप्टर करके रख देंगे ना, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे हम फटाफट से, और रिवाइज किस तरीके से करना है वो आने वाले पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लोगे तो 6 चैप्टर आपके हो जाएंगे, फिर बचेंगे 4, तो आपको लगेगा यार 6 तो मैंने कर लिया, 4 और बचे हैं, बस कर लूँगी और अच्छा हो जाएगा एग्ज़ाम। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको स्ट्रेस नहीं लाना है, पहले वो कर लो जो बहुत अच्छे से आता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप सुबह सुबह तो पढ़ लेते हो, आप रात में भी पढ़ लेते हो, लेकिन आपको दिन में पढ़ने में बहुत आलस आता है। एग्ज़ाम के जस्ट पहले जब आप पढ़ रहे होगे, लर्न कर रहे होगे, तो आपको लगता है कि दिन का टाइम हम कैसे निकालें, है ना, ऐसे ही कुछ होता है ना। सो दिन के टाइम पे आपको केवल रिवाइज करना है, जो आपने लर्न कर लिया है उसको आप रिवाइज करिए, आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये तो आपने याद किया हुआ है, ये आपने समझा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, है ना। और आपको डायग्राम्स करना है, आपको इक्वेशंस करनी है, आपको फॉर्मूलाज करने हैं, एक बार आपको सब रिवाइज करना है। तो दिन का टाइम आप डेडिकेट कर दीजिए रिविजन के लिए, बस वो भी टाइम अच्छे से निकल जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, और आपको लगेगा कि हाँ आपने पूरे दिन पढ़ाई की, सुबह भी की, दोपहर में भी की, और रात को भी की। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप रिवाइज कर रहे हों, कुछ थोड़ा बहुत भी आप लर्न कर रहे हो एग्ज़ाम के पहले, तो आप बोझ समझ के मत पढ़ो, स्ट्रेस लेके मत पढ़ो, उसको एन्जॉय करो। ये सोचो कि यार ये साल इसी साल पढ़ना है, मतलब इस साल की पढ़ाई बस इसी साल करनी है, अगले साल तो हमारी नई बुक्स रहेंगी। तो उसको एक चैलेंज की तरह लीजिए ना, कि इसको हमको करना है, उसके बाद अच्छा स्कोर खड़ा करना है, एग्ज़ाम्स में टॉप करना है। इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके और पढ़ाई करिए, बोझ समझ के ना करिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसी पॉइंट में मैं इंक्लूड कर देती हूँ कि कभी भी एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले ऐसे फ्रेंड्स से बात ना करें जो आपको डीमोटिवेट करें। कुछ फ्रेंड्स होते हैं ऐसे जिनने सब कुछ तो किया होता है, लेकिन वो आपको बोल देते हैं यार मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई है, यार मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है। तो वो लोग कर तो लेते हैं कई बार, और हो सकता ना भी किया हो, बट वो हमें तो टेंशन दे ही देते हैं। तो उनसे बिल्कुल भी आप बात ना करें, ऐसे फ्रेंड्स से बात करें जो आपकी हेल्प ही करें या फिर आपको मोटिवेट ही करें। कई बार है ना, फ्रेंड्स हमको चकमा भी देते हैं, खुद तो पढ़ लेते हैं, हमको बताते नहीं हैं। और कई बार ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि ये कहीं हमसे ज़्यादा ना पढ़ ले, तो उसको बोलते हैं अरे यार ऐसे ही है, हम तो नहीं पढ़ रहे, देखेंगे यार एग्ज़ाम के टाइम में, ऐसे इस टाइप की बातें भी करते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स से थोड़ा सा डिस्कस ना करें आप, अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप नहीं होगा। कई बार हमको उनसे बात करते से ही स्ट्रेस आ जाता है, भले ही हमारे अंदर ना हो।
और इसी पॉइंट से रिलेटेड एक चीज़ कि आपको अपने रश आवर्स में जब आप रिवाइज कर रहे हो, कल आपका एग्जाम हो, तो आप नया टॉपिक निकाल के ना बैठें, यार इसको भी मैं एक बार देख लूँ। अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो देखा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको सिर्फ समझ लीजिए, मेन पॉइंट्स उसके समझ लीजिए और उसको फिर वहीं क्लोज कर दीजिए। नहीं तो अगर आप उसको लेके बैठोगे तो वो आपका बहुत टाइम खा जाएगा। तो नए नए पॉइंट्स निकाल के ना बैठें, जो ऑलरेडी आपके पास हैं आप उनको पढ़ें। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको डिटेल स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको हेडिंग्स पर फोकस करना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन पर आपको फोकस करना है, जो आपने हाईलाइट की हैं चीज़ें उन पर फोकस करना है। डिटेल स्टडी का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, ये रिविजन का टाइम है जस्ट बिफोर एग्जाम्स, ठीक है। आप शॉर्ट शॉर्ट में सब चीज़ें पढ़िए और एग्जाम में जाके उसको इलेबोरेट कर दीजिए, क्योंकि आपने पहले से पढ़ाई की हुई है, तो ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ें। रिविजन भी जल्दी होगा और आपका माइंड भी थोड़ा सा कूल रहेगा, क्योंकि बहुत सारा पढ़ लेते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है दिमाग में, है ना। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना है, जो मैं अपनी हर स्टडी रिलेटेड वीडियो में बोलती हूँ, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। 45 मिनट्स आप पढ़िए, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी वानी पीजिए, इधर उधर घूमिए, बातचीत करिए और वापस आके अपनी पढ़ाई करिए। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर पढ़ने ना बैठें दोबारा, आपको फिर से पढ़ना है, और बिना सोचे समझे ज़्यादा थॉट्स अगर दिमाग में लाएंगे तो फिर से बैठ नहीं पाएंगे पढ़ने के लिए। तो बस आपको ब्रेक लेना है और लेने के बाद तुरंत जाइए, अपनी जगह पर बैठिए और पढ़ाई करिए। आपकी जो पढ़ाई की जगह है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ताकि अच्छी वाइब्स आएँ, पढ़ने में मन लगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो विद्या की जगह है, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। बीच बीच में पानी पीते रहिए, अच्छा खाना खाइए, जिससे आपको आलस आए वो चीज़ें आप ना करें, जैसे कि आप चिप्स हुए, तली हुई चीज़ें हुई, बर्गर हुए, इस टाइप की चीज़ें ना खाएं, पराठे वगैरह, जिनसे आपको नींद आए या फिर आलस आए। कोशिश करिए फ्रूट्स खाइए, जूस वगैरह पीजिए, घर का हेल्दी दाल चावल रोटी सब्जी इस टाइप का खाना खाइए। हाँ, बीच में कभी कभी स्नैक्स थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन उसी से पेट ना भरिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, पानी तो बहुत सारा पीना है, प्लेंटी ऑफ वाटर होना चाहिए आपके आजू बाजू, थोड़ी थोड़ी देर में आप पीते रहिए ताकि आप हाइड्रेट रहें। नाउ अब जो मैं पॉइंट बता रही हूँ वो पिछले पॉइंट से ही रिलेटेड है, आपको टालना नहीं है अपनी चीज़ें रिविजन से रिलेटेड, क्योंकि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है कि यार 3 चैप्टर हो गए, आप देखेंगे यार कल ही करूँगी, वैसे मन नहीं कर रहा, इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल भी करने की, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको मैक्सिमम पढ़ना है पहले से। अक्सर ऐसा होता है जिस दिन हम एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, उस दिन हम सोचते हैं आज तो हम चिल करेंगे, कल से पढ़ना शुरू करेंगे अगले एग्ज़ाम का, ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। जो भी टाइम आपको मिला है, 2.5 दिन मिले हैं, 2 दिन मिले हैं, 1.5 दिन मिले हैं, 1 दिन मिला है, आपको हर दिन पढ़ना है, ठीक है। आप बिल्कुल भी टाले ना, टालने वाली प्रवृत्ति ना रखें। और एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो शायद मुझे शुरू में बोलनी चाहिए थी, वो ये है कि आपको सोशल मीडिया से बहुत दूरी बनानी है। कट ऑफ हो जाइए, आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए, सोशल मीडिया को बंद कर दीजिए पूरे एग्जाम टाइम के लिए, आप हो ही नहीं सोशल मीडिया में, ऐसा मान के चलिए। मोबाइल से सारी चीज़ें हटा दो, तभी आप कर पाओगे। अगर मोबाइल में है ना फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी जितने भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह, वो सब अगर होंगे, आप देखोगी ही, आप थोड़ा खोल के देख लेता हूँ, देख लेती हूँ, ऐसा सोच के आप खोलोगे ही उसको, बिल्कुल नहीं खोलना है आपको, आपको हटा देना, डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए ऐप को, तभी होगी आपकी पढ़ाई। अब कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन तो कर लेते हैं, एग्जाम देने भी बैठ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी होता है, और लेंदी क्वेश्चन पेपर को देखते से ही हम डर जाते हैं और लगता है कि कुछ छूट तो जाएगा ही पक्के से, है ना, क्योंकि बहुत लेंदी है, टाइम को कवर करना है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले वो क्वेश्चंस आपको करना शुरू करने हैं जिनमें आपको ज़्यादा सोच सोच कर लिखने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि ज़्यादा सोच सोच के आप लिखोगे तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी और क्वेश्चन पेपर छूटने का भी डर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को उठाइए जो ज़्यादा मार्क्स के हों, प्लस आपको बहुत अच्छे से आते हों, उनको आप पहले निपटा दीजिए, और फिर जो सोच सोच के लिखने वाले हैं या कम मार्क्स के हैं उनको बाद में करिए,
ऐसा करने से आपका क्वेश्चन पेपर छूटेगा भी नहीं, और अगर थोड़ा बहुत छूट भी गया तो कम मार्क्स का छूटेगा, उससे आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। एकदम से 8 मार्क्स का 6 मार्क्स का छूटता है तो फिर टेंशन हो जाती है ना। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको फोकस करना है चार्ट्स पे, डायग्राम्स पे, इक्वेशंस पे, एमसीक्यूज पर। आपको जो जल्दी स्कोरिंग जो चीज़ें होती हैं उन पर आपको फोकस करना है। क्वेश्चन पेपर में भी आप देखिए कि आप क्या क्या आता है, जो मैंने अभी बताया पिछला पॉइंट, आप वो सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पेपर करने के बाद आपको ये सोचना है कि एटलीस्ट आपके पास 5 to 7 मिनट्स होने चाहिए देखने के लिए, कि आपने चेक करने के लिए कि आपने सब कुछ किया है कि नहीं। चेक करने का टाइम नहीं रहता, कई लोग बोलते हैं, लेकिन अगर आप निकालोगे तो आपको टाइम मिलेगा। शुरू से आपको स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाना है, अच्छे से शुरुआत से लिखना है तेज़ी में, ताकि आप बाद तक कवर कर सकें आपका पेपर। कई बार लेंथी आता है, हाँ शॉर्ट पेपर आया है तो फिर तो आराम से लिखो, दो दो तीन तीन बार चेक कर लो, बट अगर लेंथी पेपर है तो आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के चलनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए जो मैंने अभी बोला। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे शायद ध्यान जाता ही नहीं है स्टूडेंट्स का, वो ये है कि आपको भरपूर नींद लेनी है। रात में जग के पढ़ने वाले लोग हो सकता है पढ़ पाते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली मॉर्निंग जो उठ के पढ़ाई करते हैं वो ज़्यादा लंबा याद रहती है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, ज़्यादा हम फ्रेश मूड में पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से हमारे दिमाग में रहता है। तो कोशिश करिए कि अर्ली मॉर्निंग उठ के आप लर्न करने वाले या नए टॉपिक्स उठाएँ, दिन के टाइम पे आप रिवाइज करिए, और रात के टाइम में आप जैसा आपका मूड कर रहा है वैसा करिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। सो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, अच्छा करिए, डू वेल, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। और आप लोग डेफिनेटली अच्छा करेंगे, मुझे आप लोगों पे भरोसा है बहुत ज़्यादा। और वीडियोज़ को देखते रहिए, मोटिवेट होइए, अच्छे से करना, और कमेंट ज़रूर करना इसके पेपर अच्छे गए ज़रूर बताना, ठीक है। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।